सुबह जवानों से भरी आईटीबीपी की बस अपने हेडक्वार्टर महाराजपुर से फायरिंग रेंज औरैया जा रही थी, जिस बीच बस बुजैनी गांव समीप बनी केंद्रांचल कॉलोनी फैमिली क्वार्टर के सामने सुबह तकरीबन 6:15 बजे रुककर फायरिंग रेंज जाने वाले और 4 से 5 जवानों को बैठाकर उन्हें ले जा रही थी कि अचानक पीछे से आए 16 चक्का ट्रॉला ने जवानों से भरी बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस पीछे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही ट्रॉला भी क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर लगते ही बस में बैठे जवानों ने बस से उतरकर चालक समेत उसमें बैठे 2 व्यक्तियों को दौड़ाया तो ट्रॉला चालक समेत एक व्यक्ति मौके से उतरकर भाग निकला, पर गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति पकड़ा गया जो कि गाड़ी में साफ सफाई का काम करता था, जिसने बताया है कि गाड़ी गोरखपुर से झांसी गिट्टी लेने के लिए जा रही थी, जिस दौरान देर रात जागने की वजह से ड्राइवर की अचानक आग लग गई और ट्रॉला असंतुलित होकर बस में जाकर पीछे से जा टकराया, जिससे ये हादसा हो गया। ट्रॉला खाली होने की वजह से जवान हताहत होने से बच गए, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर।